नमस्कार, आप देख रहे हैं रामकन्या न्यूज चैनल और मैं आपके साथ सुरभि मिश्रा। पूजा जाट की हत्या के बाद सर्व समाज में आक्रोश फैल गया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैकड़ों लोग राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी के बाहर एकत्रित हो गए और प्रदर्शन करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह, डिप्टी हर्ष शर्मा अस्पताल पहुंच गए और आक्रोशित लोगों से वार्ता की, लेकिन उग्र लोगों ने जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग की। इस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर मौके पर है, लेकिन आक्रोशित लोग कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए और आंदोलन को उग्र करते हुए अजमेर कोटा स्टेट हाईवे जाम कर दिया। हाईवे जाम करने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने केकड़ी शहर मोड़, सावर सराना, बोराड़ा, केकड़ी सदर, भिनाय आदि थानों का पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात कर दिया और एक एमबीसी की टुकड़ी भी लगा दी। इस दौरान सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने अजमेर रोड को डाइवर्ट करते हुए मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया। घंटों के प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद जिला कलेक्टर श्वेता चौहान आंदोलनकारियों के बीच पहुंची और आक्रोशित लोगों को हत्या का शीघ्र खुलासा कर हत्यारों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। तब जाकर आक्रोशित लोगों ने जाम खोला। मेवदा खुर्द गांव में पूजा जाट की निर्मम हत्या के बाद मातमी माहौल है। घरों में चूल्हे नहीं जले, जिसके चलते लोग कल से ही भूखे हैं। वहीं मंदिरों में सेवा पूजा नहीं हुई है। हर कोई अपनी लाडली बेटी की हत्या को लेकर स्तब्ध है। कल पूजा जाट की अज्ञात लोगों ने निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद सैकड़ों लोग राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी पहुंच गए और रात भर अस्पताल में ही डटे रहे। वहीं एडिशनल एसपी रामचंद्र सिंह, डिप्टी हर्ष शर्मा रात को मौका ए वारदात पर पहुंचे और मृतका के परिजनों से बातचीत की। उसके बाद दोनों अधिकारी अस्पताल पहुंचे और लोगों से समझाइश की, लेकिन लोग पूजा जाट को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अस्पताल में डटे रहे। पूजा जाट की निर्मम हत्या की खबर आग की तरह समूचे क्षेत्र में फैल गई, जिसके चलते गुरुवार सुबह राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी के बाहर सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए और 3 दिन में हत्या का खुलासा कर अपराधियों को गिरफ्तार करके 7 दिन में न्यायालय में चालान पेश करने और हत्या का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग रखी। प्रदर्शनकारियों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 3 दिन में खुलासा नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस घटना पर कड़ी चिंता जताते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल से कार्रवाई की मांग की। वहीं राजस्थान पुलिस के डीजी और जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल से दूरभाष पर बात करते हुए तुरंत उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पूजा जाट की हत्या के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले के खुलासे के लिए अलग अलग टीमें गठित की है। जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देश पर डॉग स्क्वाड और FSL टीम मौके पर पहुंची है। FSL टीम मौके से साक्ष्य जुटा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों से समझाइश करते हुए राजमार्ग से जाम हटाने का अनुरोध किया, लेकिन उग्र लोग जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए, जिसके चलते अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। आक्रोशित लोगों ने हाईवे जाम करने के बाद बवाल मचाते हुए जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू कर दिया और जिला कलेक्टर के मौके पर नहीं आने के पर केकड़ी बंद का आह्वान कर दिया, जिसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़ ने समूचे घटनाक्रम से जिला कलेक्टर को अवगत कराया। उसके बाद जिला कलेक्टर श्वेता चौहान आंदोलनकारियों के बीच पहुंची और वार्ता की। नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी ने घटना पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि हमारी लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े हत्या की जा रही है। अगर हत्या का 3 दिन में खुलासा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद कलेक्टर ने शीघ्र खुलासा करने का आश्वासन दिया। तब जाकर आक्रोशित लोगों ने जाम खोला।
राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में उपनियंत्रक डॉक्टर मुनेश कुमार गोट ने बताया कि मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के लिए 5 चिकित्सकों का एक बोर्ड गठित किया गया है और मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। साइबर इंचार्ज रामराज सामरिया पीटीएस एवं अन्य साक्षी के लिए घटनास्थल पर पहुंचे हैं। वहीं पूजा जाट का शव गांव में पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया। हाईवे से जाम खुलने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह, डिप्टी हर्ष शर्मा एवं केकड़ी सदर सराना, सरवाड़, केकड़ी शहर, सावर, भिनाय, मोर एवं बोराड़ा थाना अधिकारियों के साथ मेवदा खुर्द गांव में पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं ताकि अपराधी तक पहुंच सके।